वेलकम टू मनीष गुरु। आज है 3 दिसंबर, स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मुंबई में, यानी इसका करेक्ट आंसर है 5th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 किसने जीती? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 जीती समीर वर्मा ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी तेजस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन किस 2 शहरों के बीच संचालित की जाएगी? तो ये की जाएगी चेन्नई और मदुरै के बीच, और पहली जो संचालित की गई थी वो मुंबई और गोवा के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनाथालय तस्करी को दास प्रथा के रूप में पहचानने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये देश बना है ऑस्ट्रेलिया, यानी इसका करेक्ट आंसर है 1st। और एक क्वेश्चन, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो 13वां G20 शिखर सम्मेलन 2018 में जो आयोजित किया गया वो किया गया अर्जेंटीना में, और 2017 में जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वो किया गया था जर्मनी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है 2017 में जर्मनी में और 2018 में अर्जेंटीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म ने 28 नवंबर 2018 को भारत के 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो डॉन बॉश ने जीता, यानी इसका करेक्ट आंसर है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF द्वारा ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया, वो सम्मानित किया गया है अभिनव बिंद्रा को, यानी इसका करेक्ट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, यानी इसका करेक्ट आंसर है 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, जिसने 112 नंबर जो है आपातकालीन नंबर लॉन्च किया है, यानी इसका करेक्ट आंसर है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय ने स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए भाषा संगम नामक एक पहल शुरू की है? तो भाषा संगम नामक पहल जो शुरू की है वो शुरू की है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, यानी कि ह्यूमन HRD मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, यानी इसका करेक्ट आंसर है 5th। इससे पहले जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे ओम प्रकाश रावत, अब जो नए जो बने हैं वो बने हैं सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष कौन है? तो UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं अरविंद सक्सेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 दिवसीय संयुक्त अभ्यास कोप इंडिया 2019 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? कोप इंडिया 2019 जो अभ्यास ही पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाएगा भारत और अमेरिका के बीच, और जो कोंकण अभ्यास है वो भारत और UK के बीच, यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच गोवा में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने चिल्ड्रन HIV एंड एड्स द वर्ल्ड इन 2030 नामक रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है यूनिसेफ ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने पोस्ट और पूर्व सिमेंट निर्यात क्रेडिट पर ब्याज सब्सिडी को बढ़ाकर 3% से कितना बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है 5%, यानी इसका करेक्ट आंसर है 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारत इंडोनेशिया बिजनेस फोरम IIVF किस शहर में आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी इसका करेक्ट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न के दर्जे सम्मानित किया गया? तो मिनी रत्न के दर्जे सम्मानित किया गया है भारत राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम, यानी इसका करेक्ट आंसर है 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें पिग्मी फॉल्स कैट शार्क नाम की गहरी समुद्री शार्क प्रजाति पाई गई? तो ये पाई गई है हिंद महासागर, जो उत्तरी हिंद महासागर है वहाँ पर पिग्मी फॉल्स कैट शार्क नामक एक समुद्री शार्क प्रजाति वो पाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के 4 तटीय कस्बों में जल आपूर्ति परियोजना के लिए $75 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं कर्नाटक राज्य के साथ, यानी इसका करेक्ट आंसर 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाती है? मैं पहले ही क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर है 1st। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए।